वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल पीओपी डिज़ाइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीलिंग डिज़ाइन आपको किस रेट में और किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, सीलिंग सभी करवाते हैं, हम भी कराते हैं, आप भी कराते हैं, लेकिन सीलिंग की नॉलेज सबको नहीं होती। दोस्तों, सीलिंग की जो स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग होती है सीलिंग की फ्रेमिंग से। मेन चीज़ जो है वो फ्रेमिंग है। अगर फ्रेमिंग आपकी सीलिंग की सही होगी तो सीलिंग आपकी ज़्यादा चलेगी, अच्छी चलेगी। तो इसमें सबसे पहली बात आती है फ्रेमिंग में आपकी फास्टनर की। तो दोस्तों, हम जो रहने वाले हैं, हम मेरठ ज़िले के रहने वाले हैं, यूपी के। हम जो सीलिंग में फास्टनर लगाते हैं, वो फास्टनर लगाते हैं 8 mm का। कुछ ठेकेदार सीलिंग में फास्टनर लगाते हैं 6 mm का, लेकिन 6 mm का फास्टनर इतना कामयाब नहीं है। 8 mm का अच्छी क्वालिटी का फासनर लीजिए। हमारे यहाँ टाइगर का आता है, आपके यहाँ पता नहीं कौन सा आता होगा, आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी चीज़ आती है फिर आपकी एल पत्ती जो होती है सीलिंग में। एल पत्ती हमारे यहाँ 12 किलो का भी मंडल आता है, जो लो प्राइस में सीलिंग कराने वाले लोग हैं। बाकी अगर अच्छी सीलिंग करानी है आपको अच्छे प्राइस में, तो 18 से 15 किलो का मंडल आता है, 15 से 18 किलो का। तो उसमें अच्छी क्वालिटी है सीलिंग की, कोई दिक्कत नहीं आती है सीलिंग में। फिर दोस्तों, तीसरी चीज़ आती है आपकी चैनर की। हम लोग कॉस्टली होने की वजह से सीलिंग में चैनर जो हल्का लगवा लेते हैं, क्योंकि हम सीलिंग के रेट जो देते हैं वो 70, 80, 90 या 100 रुपये फुट, इससे ज़्यादा हम दे नहीं पाते। तो जो सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो अपने बजट निकालने की वजह से आपके यहाँ सीलिंग में जो चैनर लगाता है, वो चैनर लगाता है आपके यहाँ पे 10 से 12 किलो का मंडल, 24 पीस आते हैं उसमें। लेकिन अगर आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट सीलिंग चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको लगवाना पड़ेगा 15 से 18 किलो का मंडल चैनर का, जो क्रॉस बोलते हैं, चैनर भी बोलते हैं कुछ एरिया में क्रॉस बोलते हैं। जो 15 से 18 किलो का मंडल है चैनर का, वो चैनर थोड़ा हार्ड भी होता है, मजबूत चैनर होता है और अच्छा चैनर होता है। उसके बाद दोस्तों, तीसरी चीज़ आती है इसमें, चौथी चीज़ आती है आपकी मेन की। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैं आपसे बता रहा, लो प्राइस में सीलिंग कराते हैं, तो उसमें हम हल्की चैनर लगवाते हैं। हल्की मेन लगती है, क्यों? इसलिए लगती है क्योंकि पैसे कम होते हैं, तो ठेकेदार अपने बजट के हिसाब से ही फिर उसमें मेन की जगह पाइप लगा देता। पाइप हल्का होता है और लो बजट में आता है। अगर आप अच्छी सीलिंग कॉस्टली करवाओगे, अच्छे प्राइस में करवाओगे, तो उसमें मैं आपको पिक भी सब चीज़ की दिखाता रहूँगा साथ साथ, उसमें आपको मेन लगा के देगा ठेकेदार। मेन जो होता है, वो मेन सीलिंग को लक्ष्य कर ही लेने देता बिल्कुल भी। और मेन और क्रॉस जो होता है और एल पत्ती होती, इस पर कभी जंग भी नहीं लगता, क्योंकि ये दोस्तों जस्ती चद्दर की बनी हुई होती है। अब इस सीलिंग में पांचवी चीज़ आती है, वो आते हैं पीओपी प्लास्टर, जो बैक लगाता है ठेकेदार। अब बैक की भी वही हिसाब है, जो अगर आपको बैक अच्छा लगवाना क्वालिटी का, तो आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ भी क्वालिटी अच्छी चल रही, जो बैक की सकरनी है, जेके है, त्रिमूर्ति है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं। तो लोग बाग क्या करता है ठेकेदार, फिर नॉर्मल जो ISI माल आ रहे हैं वो लगा देता है ठेकेदार। माल वो भी बुरे नहीं होते, कहने के लिए माल वो भी अच्छे चलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉस्टली सीलिंग बनवाने के लिए आपको कॉस्टली पैसे देने पड़ेंगे और उसमें कॉस्टली माल तभी लगेगा। और दोस्तों, उसके बाद जो बात आती कील, पेच, ये तो सब जगह नॉर्मल एक ही रेट के आते हैं, आधा पौन इंची का पेच लगता है, 1.5-2 इंची का पेच लगता है, और कील लगती हैं, गिट्टी लगती हैं 1.5 इंची की, 1-2 इंची कील लगती हैं। और दोस्तों, इसी तरीके से आपको छत का भी मैं आइडिया दूंगा, कि आपको छत के फोटो दिखाऊंगा कि जो छत आपकी RCC डायरेक्ट है, उसमें फुल सीलिंग करानी चाहोगे आप, तो फुल सीलिंग में अगर अच्छी क्वालिटी में सीलिंग कराओगे, तो कॉन्ट्रैक्टर आपकी 150 से 180 रुपये फुट में बना के देगा सीलिंग। और आप नॉर्मल प्राइस में, नॉर्मल रेट में करवाओगे, क्रॉस बंडल और आपका चैनर एल पत्ती जो आप लगवाओगे या मैन, अगर आप उसमें 10-12 किलो का लगवाओगे, तो आपको वो 100 रुपये में बना के तैयार दे देगा, 90 में भी दे देगा।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और हम आपके लिए POP डिज़ाइनिंग की, POP की सभी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।